स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से मसूरी से दिल्ली के लिए अपने घर के लिए, और हमारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, रेडी हो गए हैं। हितेश रेडी हो गया, और देश आगे रेडी, तो भाई आर के भाई भी रेडी हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम आ गए अपनी पार्किंग के पास। हमारी तीनों की बाइक यहाँ खड़ी है और काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी है। इनके पास काफ़ी बड़ा रूम है, 30 रूम्स है, काफ़ी बड़ा होटल है। फिर यहाँ से नीचे तो अभी निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में आपको। होटल काफ़ी बड़ा था, स्पेस भी काफ़ी था, 30 रूम्स हैं इसके अंदर। पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, देखो नीचे भी थी, ऊपर भी लगा सकते थे, तो हमने तो ऊपर ही लगाई थी। हमने ब्रेकफास्ट के रुके हैं और नीचे से आ रहा है एक ग्रुप बाइक का, मतलब स्पोर्ट्स बाइक वगैरह है, उसमें 20-25 बाइक्स हैं, उसकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी बाइकों का ग्रुप है, देखो पर्यटक सरस्वती धारा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। अरे भाई सरस्वती धारा आ गया, तो एक आगे यहाँ ब्रिज, लेकिन ब्रिज के नीचे क्या नाला की नदी, आओ देखते हैं। नाला नहीं, नदी का पानी वैसे आएगा पहले, लेकिन नदी का पानी आता तो नदी होती ना। अच्छा मेन नदी उधर है, ये नाला है, नाले में पहाड़ों से जो पानी आता है ना, जब बारिश होती है पहाड़ों से पानी आता है, तो पानी अपना जगह बना लेता खुद ही, इसको नाला। पहाड़ी भाषा में गधेरा, कुमाऊनी भाषा में गधेरा। गरम में दे रहा हूं। तो भाई एंट्री फीस 10 रुपीज पर बाइक, ये तो जैसे लोकल MCT होती है ना वैसी कुछ है। पहुंच चुके हैं सरस्वती धारा, हमने बाइक यहाँ पार्क कर दी अपनी, यहाँ लंच कर लेंगे, हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया यहाँ पर, और यहाँ से जाएंगे नीचे, इधर से नीचे की तरफ जाएंगे, इधर भी नहाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर भी नहाने के लिए, लेकिन हम जाएंगे पूरी नदी में। यहाँ से भी कुदरती पानी आ रहा है, लेकिन नदी वाला पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, अभी तक 10:30 हो रहे हैं, ऐसा आ रहा है पानी। ऐसा धारा के हम नीचे नदी के पास आ चुके हैं, या ऐसा आप यहाँ से जा रहे हैं थोड़ा आगे के लिए, आगे जाएंगे देखेंगे कोई स्पॉट मिल जाए जहाँ से इसे हम नहावा सके, फिर दिखाते हैं आपको। चल रहा है थोड़ा पानी रोकने का, एक जगह से निकालने का, ताकि पानी की कमी ना हो।
ये ऐसा है कुछ। मेन स्पॉट में जाने के लिए हम रास्ता ही ढूंढ रहे हैं इतनी देर से नदी के अंदर। कभी हम राइट जा रहे हैं, कभी नदी की उस तरफ जा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। वहाँ से पार कर रहे थे लेकिन बताया वो कच्चा, अभी अभी जस्ट रास्ता बनाया है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ ऊपर, यहाँ से ऊपर जाओ और फिर वहाँ से राइट में जाओ, ऐसे करके वो रूट सही है। तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर, नीचे से ऊपर आ गए और उधर की तरफ को जाएंगे। रास्ता बढ़िया, नीचे नदी, फिर ऊपर से यहाँ से एक नहर टाइप की दे रखी है, पर ये दे क्यों रखी है, ये दे क्यों रखी है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता आगे चक्की हो, ये भी हो सकता है। हम यहाँ से यहाँ तक आए थे, यहाँ से हमें मना कर देता, बोले थे अभी अभी जस्ट अभी अभी बनाया ये, अभी ये इतना पक्का नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए आप ऊपर से जाओ, इसलिए हम ऊपर से आए। सशस्त्र धारा देहरादून उत्तराखंड। तो भाई हम खतरों के खिलाड़ी बनते हुए, भाई देखो कुदरती पानी हमारे गांव में भी आता है ऐसा पानी, जो हमने आप भी उधर रेस्टोरेंट से नीचे आया था वो भी कुदरती पानी था, और नदी का पानी था वो। अभी हम जाएंगे उधर की तरफ को, वो उधर और वहाँ जाके करेंगे नहाने का प्रबंध, जुगाड़। हम करने वाले एडवेंचर यहाँ से, पानी भी है उसमें, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे हम जाएंगे एडवेंचर के लिए। कुछ भी पानी की जो फ्लो देखो, और ये देखो कितना है, ये ऐसे जा रहे हैं हम, जूते भीग जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, देखते रहेंगे, भीगन दो जूते, देखें उतारेंगे नहीं, क्योंकि जूते उतारेंगे तो स्लिप होगा। ये ऐसा है पानी का फ्लो, और वहाँ से आ रहा पानी, अब उधर चलते फिर दिखाते हैं आपको। वो जो मज़ा यहाँ का है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ से इधर को जाएंगे, तो थोड़ा फोटो सेशन होने के बाद यहाँ से जा रहे हैं हम नहाने के लिए। आर के भाई पत्थर से आर के भाई तो पहुँच चुके हैं 15 मिनट से, लेकिन अब हम जा रहे हैं। यह है इधर की तरफ से हम नहाएंगे, ऊपर से आ रहा पानी, वो हम ऊपर से देखा था हमने कि इधर को ही आना है, फिर हम वापस उधर ब्रिज की तरफ को गए थे, फिर वहाँ से आए पैदल पैदल। ये आई थिंक कोई मंदिर है। तो बस ये सब सुधारा में हमने नहा के अभी रेडी हो रहे हैं, तो अभी निकलते हैं 10-15 मिनट के बाद। अब यहाँ हो गई भीड़, काफ़ी लोग आ चुके हैं, और देखो तो एक्चुअली हम तो बहुत जल्दी आ गए थे, हम तो 9 बजे करीब 10:30 बजे करीब आ गए थे। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पत्थर में जो नदी में जो बांध सा बना रहे ना, ट्यूब को फुला के उसके अंदर पत्थर रख के फिर ला रहे हैं, ताकि पत्थर आराम से आ जाए। बढ़िया यार। तो जी हम बहुत ऊपर से आ रहे हैं नीचे को, देखो क्या सही लग रहा है ना, मतलब बाढ़ सा बना रखा है ये इतने सारे पत्थर का, मतलब ये लग रहा है कि जितने भी मतलब कि ढाबे वगैरह बनेंगे सब ऐसे बना देंगे, ताकि उनके पास टूरिस्ट उन्हीं के सामने आए और जो भी एक्टिविटी करनी है करें। ये वहाँ पीछे तक है, तो देखो सियासत के मैं ऐसे बना रखा है पूरा, नीचे से ऊपर ऊपर पर ऐसे सेम ऐसे बना गया सब जगह, तो बहुत सारे स्पॉट बना देंगे ऐसे। तो अभी जा रहे हम वापस जहाँ से हमने एंट्री की थी ऊपर, ये देखो ये है झरना, ऊपर जाके फिर जाएंगे अपने रेस्टोरेंट। तो सियासत में अभी हम नीचे से ऊपर आ गए, और हमने अभी चाय पी, और अभी हम कर रहे हैं लंच, और हम कर रहे हैं बालकोनी में रेस्टोरेंट से, जहाँ से नीचे का पूरा व्यू दिख रहा है। चलो हम करते हैं लंच इंजॉय, फिर आपसे देखते। तो सियासत धारा से हम निकल रहे हैं, और
सीधा दिल्ली के लिए। हरिद्वार तो फिलहाल अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। नेक्स्ट टाइम जब आना होगा तो हरिद्वार जरूर करेंगे। और मौसम तो भाई अभी गर्मी हो रही है, तो यहाँ थोड़ी ठीक है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा नहीं है, मौसम भी ठीक है। मौसम ख़राब होगा तब जब बिल्कुल प्लेन रास्ते पर पहुँचेंगे। प्लेन रास्ते पहुँचेंगे तब होगा मौसम ख़राब, क्योंकि पहाड़ों में तो थोड़ी ठंडक रहती है। भोले 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 बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हर की पैड़ी भोलेनाथ, और यहाँ से हरिए तो अभी बच गया ज़्यादा, अभी टाइम तो ज़्यादा हो गया इसलिए हम नहीं जा रहे। लास्ट टाइम आ गए थे, दर्शन हो चुके थे, मंदिर दर्शन भी हो चुके थे और मतलब स्नान भी हो चुका था। ये कितना इसके देखो रॉन्ग रूट पे आ रहा है, उल्टा आए थे थोड़े गाँव तक। हरिद्वार से 50 किलोमीटर बाद एक ढाबे पे रुके चाय वगैरह पीने के लिए, मैं तो भी लस्सी वो दोनों पिया चाय, और खींचने में मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा। मतलब ट्रैफिक तो ना के बराबर है और स्पीड भी अच्छी है, 80 की देर की लिमिट। तो हम निकल रहे हैं ढाबे से अपने डेस्टिनेशन पे। अभी हम मेरठ पहुंचने वाले हैं, अभी मेरठ होगा यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर, और रात होने के भाई शाम आ रही है, शाम खत्म रात आ रही है, और ये टिमटिमाती हुई लाइट देखती है उसके जस्ट आगे आगे भाई आ रहे हैं। अब थोड़ा रुकेंगे 20-30 किलोमीटर मेरठ के आसपास रुकेंगे, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और एक बार में सीधा घर। यहाँ से 80 किलोमीटर करीब है दिल्ली, रोड रोड के पास हो जाए, और हम खा रहे हैं आइसक्रीम। तो अभी दिल्ली है करीब 20 किलोमीटर, और हम थोड़ा 5-10 मिनट का थोड़ा यहाँ रेस्ट लिया है अभी। तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई। ट्रैकिंग और जो सीसती धारा हुआ है ना भाई, मज़ा आ गया, नहाने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो फाइनली हम पहुंच चुके अपने अपने घर, और होप करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, जब तक लिए।